दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चाहता हूँ फिल्मों की चर्चा करूँ। फिल्में मैंने सिनेमा नहीं, कैमरे की फिल्में। किस किस प्रकार के ऐसे वाली फिल्में हुआ करती थी, कम रोशनी से लेकर के तेज रोशनी तक में हम कैसे उसका उपयोग करते थे और कौन सी तकनीक लगा करके हम पिक्चरों को बचाते थे। कारण ये है कि आज के ज़माने में डिजिटल कैमरे में तो बहुत कुछ नई चीज़ आ गई है। आप ISO को कहाँ तक ले जा सकते हैं उसकी कल्पना उन दिनों नहीं हो सकती थी। सारी की सारी हमारी ट्रेनिंग होती थी 24 ASA से लेकर 400 ASA तक की फिल्मों की, और उसी रेंज में हमें अपने काम करने पड़ते थे। 24 ASA के बाद हमारे पास फिल्में होती थी 64 ASA, ये कलर फिल्म थी। उसके बाद 125 ASA, फिर 100 ASA भी आई, 100 ASA, फिर 200 ASA और 400 ASA। ये किसी कंपनी में 800 ASA की फिल्म भी दी थी मार्केट में, लेकिन उसके रिजल्ट को देख करके लोग दुखी हो गए और फिर लोग प्रेफर यही करते थे कि 400 ASA की फिल्म से ही फोटोग्राफी करना ज़्यादा उचित है, बेशक से उसके लिए कोई इंतजाम करने पड़ जाए। आज हम ISO की बात करते हैं, तब ASA की बात करते थे। ASA क्या था? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने एक नॉर्म बनाया था, लाइट की सेंसिटिविटी तय की थी, जो फिल्मों के रैपर के फिल्मों के ऊपर एक केमिकल लगा करके। आज ISO हो गया है स्टैंडर्ड, उसका दूसरे तरह का हो गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और सारी दुनिया में ISO का ही यूज होता है। तो हम क्या करते थे उस जमाने में? उन दिनों सबसे बेहतरीन फिल्म थी जो मार्केट में अवेलेबल थी, उसको बोलते थे प्लस एक्स। कोडक की फिल्म थी प्लस एक्स, 125 ASA की होती थी और उसमें फाइन ग्रेन फिल्म थी जिससे शूट करने पर चाहे जिस भी साइज का आपको इनलार्जमेंट बनाना हो पिक्चर पर ग्रेन नहीं दिखता था। बाद में फिल्में 200 की आईं, लेकिन कोडेक ने ब्लैक एंड व्हाइट में 200 की फिल्में नहीं दिया था। उसके बाद उनके फिल्म का ASA था 400, जिसको बोलते थे कोडेक ट्राई एक्स। अच्छे फोटोग्राफर्स की सबसे बड़ी पसंद होती थी कोडेक ट्राई एक्स। कीमत की बात करें, उन दिनों की कीमत सुनेंगे तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि इतनी महंगी फिल्में थी, मैंने 250 रुपए से नीचे कोई फिल्म नहीं मिलती थी। एनालॉग के ज़माने में जो बेहतरीन फिल्म होती थी वो प्लस एक्स और ट्राई एक्स। इलफोर्ड ने भी एक बढ़िया फिल्म दिया था जिसमें उन्होंने ASA की वैरायटी भी दी थी, उसे भी बहुत पसंद किया गया, उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी। ASA में जो 64 ASA की फिल्म है वो ज़्यादा पॉपुलर थी, डे लाइट में बेहतरीन रोशनी में स्लाइड खींचते थे। ब्लैक एंड वाइट के लिए 125 ASA की फिल्म सबसे उपयुक्त थी क्योंकि उसमें ग्रेन्स नहीं होते थे। इसके बाद जब अगर लो लाइट हो, डिफिकल्ट रोशनी हो या ऐसी जो एक फोटोग्राफर को विभिन्न रोशनी में एक ही बार में जाना पड़ता है, एक गतिविधि कुछ अंदर चल रही है तो कुछ बाहर चल रही है, कुछ अवेलेबल लाइट में चल रही है तो कुछ डे लाइट में चल रही है, तो उस वक्त भी हम यही कोशिश करते थे कि अगर 400 ASA की ट्राई एक्स है तो हम अंदर का भी अच्छा कर लेंगे और बाहर का भी। अब प्रिंट का जहाँ तक मामला होता था, जब प्रिंट बनते थे तो 400 ASA का फर्क तो पड़ता था। 400 ASA में जब बहुत बड़ा प्रिंट बनाने लगे, उसका उपयोग बहुत बड़ी करने लगे बिगर साइज में, तो वो झलकता था कि ये फास्ट फिल्म है। उसमें दो बातें झलकती थी, पहला ये कि कंट्रास्ट थोड़ा कम होता था और दूसरा ये ज़्यादा इनलार्जमेंट पे ग्रेन्स दिखते थे हल्के हल्के। कई स्थितियों में ऐसा देखा जाता था, कई तरह की ऐसी सिचुएशन और सब्जेक्ट होते थे जो ग्रेन्स सपोर्ट करते थे पिक्चर को, तो बहुत ही अच्छा भी लगता था, ग्रेन्स हमेशा बुरा नहीं लगता था।
कमर्शियली जहां तक बात करें तो जिसमें ग्रेन्स नहीं होते थे वो कमर्शियली वाइबल होता था, उसको ज्यादा पसंद करते थे लोग, उसकी बात ज्यादा होती थी, तो उसके लिए प्लस एक्स फिल्म थी। जब कलर रोल आए तो कलर आने के बाद आम तौर पर जो फेमस एएसए थे वो 100, 200 और 400 एएसए की फिल्में पॉपुलर थी। नॉर्मली 400 एएसए की फिल्मों से बहुत सारी असाइनमेंट की जाती थी, जहां पर हरकत हो, ज्यादा स्पीड हो, ज्यादा हरकतें तेज हो, तो वहां पर 200 और ज्यादा हो या रोशनी कम हो तो 400 लगा लिया करते थे, फिल्म मतलब बदल लिया करते थे। हमारे कैमरा बैग में कम से कम दो तरह की फिल्म तो होती ही थी, एक 100-125 एएसए की और दूसरी 400 एएसए की। कई ऐसे मौके आते थे कि हम 100 एएसए से खींच रहे हैं, सिचुएशन कुछ इस तरह की पैदा हो जाए वहाँ कि लो लाइट हो जाए अथवा ज़्यादा हरकत हो जाए, तो हम बहुत तेज़ी से फिल्म को रिवाइंड करते थे, कैमरे से रिवाइंड करके कैसेट जेब में डाल के और फास्ट फिल्म को लोड करते थे। एक साइज बहुत बड़ी थी, आप कल्पना कर सकते हैं आज के ज़माने के हिसाब से कि अभी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट आईएसओ पुश कर देते हैं, एक बटन से तुरंत फास्ट हो जाती है, तब वो एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी। कई बार ऐसा होता था कि 400 आईएसओ की ज़रूरत पड़ गई मेरे, मतलब आईएसओ कह दूँ अगर गलती से तो उसे माइंड नहीं करेंगे, उसको एएसए कहते थे, और सडनली अगर कोई स्पीडअप कोई चीज़ हो गई तो हमारे लिए समस्या हो जाती थी कि जितनी देर में मैं उसको रिवाइंड करूँगा और उसको रख के दूसरी रोल में लोड करूँगा तब तक कई बार तस्वीरें मिस भी हो जाती थी, इवेंट मिस भी हो जाते थे, कोई विशेष गतिविधियाँ मिस हो जाती थी, दुखद होता था। तो इससे बचने के लिए जो समृद्ध लोग थे, जो ठीक ठाक थे या बड़ी कंपनियों में जो काम करते थे, वो दो कैमरों का उपयोग करते थे, एक पर 100 एएसए और दूसरे कैमरे में 400 एएसए, जब जिसकी ज़रूरत उठाए शूट कर लिया। जब ये कलर का ज़माना आया तो हमारे यहाँ बहुत देर से आया, उसका सिर्फ कारण ये था कि पॉपुलर मतलब देर से हुआ, आ तो गया पहले ही, मैंने कलर निगेटिव फिल्म तो 81 में भी खींचा, लेकिन व्यवहार में वो बहुत दिक्कत थी उससे, क्योंकि आप स्वतः प्रोसेस स्वयं नहीं कर सकते, आप ले जाइए कंपनियों में दीजिए, वो प्रोसेस होके आएगी, प्रिंट होके आएगा, तो कोडेक को जैसे हम देते थे तो कोडेक को आज बुक कर दिया तो 10 दिन के बाद प्रिंट होके आता था। तो जो फ्यूचरिस्टिक पिक्चरें थी, जो क्रिएटिविटी वाली पिक्चरें थी, उसे तो आप कर सकते थे, लेकिन जो डे टू डे न्यूज है उसमें कलर का उपयोग करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लग गया, जैसे जैसे अखबारों ने, पत्र पत्रिकाओं ने कलर का टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी अपने अखबार में और तस्वीरें लेना शुरू कर दिए, तो वैसे वैसे लेबोरेटरीज भी बहुत बढ़ गई और प्रिंटिंग की ऑटोमेटेड मशीनें भी लग गई। तो हम शूट करते थे, दौड़ के भाग के जाते थे कहाँ, लैब में, और वेट करते थे घंटे, दो घंटे, एक घंटे, आधे घंटे, प्रिंट होके आता था, फिर उसे अखबार में ले जाके देते थे। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। किसी किसी अखबारों के दफ्तर में प्रोसेसिंग का सिस्टम भी बना दिया गया था कलर, वहाँ तो हो जाता था, इसके बावजूद बहुत टाइम टेकिंग था, आज जैसा फास्ट उस ज़माने में करना एकदम संभव नहीं था। जब हम आउट स्टेशन होते थे, जब हम बाहर कहीं गए हों, वहाँ शूट कर रहे हों और कलर की ज़रूरत पड़ जाए तो उसका यूज करना, उसको छापना एक बहुत डिफिकल्ट काम था, आज बहुत आसान है। अब मैं थोड़ी बात करूँ आईएसओ के इफ़ेक्ट पर, कैसे हम संभालते थे। सपोज कीजिए बहुत लो लाइट पिक्चर हमें खींचनी है, कलर में शूट करनी है, मेरे पास 100 एएसए की है और 400 एएसए की है। जैसे दिल्ली के ही कोई इंडिया गेट, कनॉट प्लेस में गतिविधि रात की शूट करनी, न्यू ईयर पे, दिवाली पे, इस तरह का भी कुछ, तो क्या करना पड़ता था, कितना डिफिकल्ट काम था कि आप विदाउट ट्राईपॉड शूट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपको आज के जैसे आईएसओ इंक्रीज कर देते हैं ये तो सुविधा थी नहीं, उसी 400 पे ही करना है। और अभी जो आप डिजिटल में कर रहे हैं 400 एएसए पर करके देखें, अगर आप आजमाएं, नाइट शॉट खींचें, लो लाइट खींचें, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि अगर आईएसओ हम इंक्रीज ना करें तो कितना दिक्कत का काम है तस्वीर को खींचना। लेकिन काम होता था,
थिएटर में बहुत दिक्कत होती थी, जब कोई नाटक चल रहा है, डांसेज चलते थे, हम कलर शूट कर रहे हैं, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं आई सो जैसे आज बढ़ा लेते हैं, एएसी को बढ़ा नहीं सकते थे, तो क्या करते थे हम बहुत उस मोमेंट को कैच करना चाहते थे। सपोज कीजिए कि बहुत तेजी से डांस कुछ हो रहा, तो आप इसमें गौर से देखेंगे तो ऐसे ऐसे मोमेंट आते थे जहां वो एक स्टाइल से दूसरी स्टाइल में जब वो आर्टिस्ट जाता है तो उसमें थोड़ा सा स्थिरता आती है और उसे खींच करके हमको देना पड़ता था। आज ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है। आप ये भी देखेंगे पुरानी तस्वीरों में कि जब हम कभी लो लाइट पे जब हम शूट कर रहे हैं तो बहुत सारे एलिमेंट उसमें हिले हुए आते थे, और हिले हुए आना आर्टिस्टिक अप्रोच माना जाता था क्योंकि उसके पास कोई इंतजाम नहीं था कैमरे के पास कि उसको हिलने से बचाया जा सके, क्योंकि जो ही आप शटर स्पीड को 200 250 500 करेंगे हिलने से बचाने को तो आपकी पिक्चर नहीं आ पाएगी, आप नहीं लूज कर देंगे पिक्चर को। तो हमें स्टैंड मोनोपॉट, बाद में मोनोपॉट का यूज करते थे जब थोड़ी लाइट ठीक ठाक हो तो एक सिंगल स्टैंड वाला मोनोपॉट, और बिल्कुल ही दिक्कत है तो ट्राइपॉड लगा के सेट करके खींचना पड़ता था। दोस्तों इस विधि से खींची तस्वीरें, जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी बात करें, ट्राइक्स पर भी शूट करें, हरकत ज़्यादा हो, लो लाइट हो, तो क्या करते थे हम, फिल्म को पुश करते थे। पुश कैसे करना, हम ये मान लेते थे कि 1600 एएसए की फिल्म है, दो स्टेप 400 800 1600, और उसको हम केमिकल से, जो हम केमिकल यूज करते थे तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर उसको प्रोसेस करना होता था, सर्टेन टेम्परेचर पर सर्टेन मिनट लगेगा केमिकल में, इसके बाद फिक्सिंग में जाएगा, वॉश होके फिक्स में जाएगा। तो उस बीच हम लोगों ने एक अपने आप में एक प्रैक्टिस कर करके डेवलप कर लिया था कि अगर हम दो स्टॉप अंडर खींचे हैं, एक स्टॉप अंडर खींचे हैं, तो केमिकल में जब प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग केमिकल में जब फिल्म है तो कितना इंक्रीज कर दूं टाइम ताकि उसे मैं यानी कि डेवलप कर ले और उसे थोड़ा सा डिटेलिंग आ जाए। अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा अगली बार जो टिप्स का, उसमें आपको डार्क रूम टेक्निक पर बात करूंगा और बताऊंगा कि डार्क रूम एक फोटोग्राफर की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता था, काम कैसे करते थे, कैसे पुश करते थे, कैसे फिल्मों को सेव करते थे, और कैसे हम प्रिंट करते वक्त क्वालिटी इन्हांस करने के कौन कौन से तरीके लगाते थे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।